प्रसन्न लॉर्ड जेम्स की एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है आप सभी का। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने आज हमें सुबह दी है और इस सुबह में परमेश्वर का हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला है, बचाया है और एक आशीष दी, आशीष से भरा है। वो खुदावन सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमें जीवन देता है और जीवन से मोर आगे बढ़ पाते हैं, प्रभु की महिमा कर पाते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि वो हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया, परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी बनाए, उसे अपने जीवन में जगह दें और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को और आगे बढ़ाएंगे और हम उसके आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करता हूँ उसम ग्रेस प्रार्थना भवन में और स्वागत है आप सभी का आज की सुबह में, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमारे जिंदगी को ब्लेस करने जा रहा है। आज के सुंदर कलाम को सुनने से पहले अपने हृदय को खोलें, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे हृदय को आनंद से भर दे और वो आनंद जो परमेश्वर आप देना चाहते हो वो मेरे जिंदगी में आ जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है सुबह भी और सवेर भी और दोपहर को भी, हर समय हम प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर महान है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। हमें जरूरत है कि हर समय प्रभु में बने रहें। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, चाहे परिस्थिति गंभीर ही क्यों ना हो जाए, उन समयों में जब हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं, उस समय में हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं। और हम ऐसे समयों में जब हमारे जीवन में त्रासदियां आती है, जब समस्याएं आती है, पीड़ाएं आती है, उस समय में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा हम करें हमारे जीवन के द्वारा, प्रभु की महिमा हो। हर एक व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में प्रभु की महिमा हो, हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि वो उसमें बना रहे। शेयरिंग करना शुरू करें मेरे भाई बहनों। और मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। खुशखबरी है कि इस संडे, इस रविवार आने वाले रविवार जो 2-3 दिन के बाद है, उस पर उस रविवार को एक विशेष प्रार्थना ले हैंड प्रार्थना की जाएगी। ले हैंड का मतलब है लोगों के सर पे हाथ रख रख करके उनके बंधुआइयों को तोड़ने के लिए, उनके श्रापों को तोड़ने के लिए एक प्रार्थना सभा है, छुटकारे की सभा है। और यदि आपको जरूरत है, आप उस प्रार्थना में आना चाहते तो आज आप अपना एड्रेस ले सकते, बता सकते हैं, आप आ सकते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। ये आराधना सुबह 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक रहेगी। परमेश्वर उसमें आपको ब्लेस करेंगे और जितने लोग आ रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देते हैं। आप सभी का स्वागत है इस आराधना सभा में। और प्रभु प्रभु ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। आज ये आशीषित वचन से हम आशीष होने जा रहे हैं। क्यों प्रभु ने ये कहा? हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, इससे पहले हम आगे बढ़े तो परमेश्वर के इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदयों में जाएं और हमसे बात करें। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर मीठे नाम से। खुदावन, आज इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियों के लिए। खुदावन पिता, यूं तो सभी कहते हैं प्रभु में बने हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने फलों से पहचाना जाता है पिता। वो पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वो फलवंत है या नहीं है, उसका कैरेक्टर, उसका जीवन बताता है कि वो प्रभु में चल रहा है नहीं चल रहा है। पिता परमेश्वर, यदि हम तुझ में बने रहते हैं प्रभु जी, तो हम बहुत सफल लाते हैं पिता परमेश्वर। चाहे कंडीशन कैसी भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो जाए, चाहे हमारे लिए परमेश्वर पिता दायरे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें हर परिस्थिति में आपका कलाम कहता है कि हम तुझ में बने रहें प्रभु। और उन जगहों पर परमेश्वर पिता जब हमसे आगे नहीं बढ़ा जाता, फिर भी हम प्रयास करते हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने हृदय को खोल करके दुहाई देते हुए जब आपके पास आते पिता परमेश्वर, खुदावन्द आप हमारी सहायता करते प्रभु, हमारे पैर को फिसलने से बचाते, हमारे पैर को ठोकर खाने से बचाते प्रभु। आज का वचन हमारे जिंदगियों में काम करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई और बहन आज जुड़ने जा रहे हैं पिता, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपना अनुग्रह दीजिए।
सुनने के कान दीजिए प्रभु, हृदय दीजिए कि मनन कर सके, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, दिन भर में सुनेंगे उनसे भी और जो अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जब आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, ज़्यादातर प्रेयर रिक्वेस्ट जो है फ़ोन पर आती हैं और कुछ लोग अपनी प्रार्थनाएं टाइप करके हमें भेज रहे हैं, और मेरा ये विश्वास है, मेरे सोचना है, अगर टाइप करने में हमें 5 मिनट लगती है तो 5 मिनट हम कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैसेज टाइप करने से शायद हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी और हमारा कॉन्टैक्ट बना रहे दास दासियों के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग लंबी लंबी जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं ये नहीं कहता भेजना नहीं चाहिए, पर हज़ारों कमेंट्स आते हैं, पता नहीं 2,000-2,500 कमेंट्स आते हैं, और ये संभव नहीं है कि 2,500 कमेंट्स पढ़ लिए जाएं एक व्यक्ति बैठ करके पढ़े। मैं ये चाहता हूँ कि आप कॉल करें, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी देर में आप अपने कमेंट्स लिखते हैं उतनी देर में 1 मिनट लगते हैं आप अपना कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या को सुन लिया जाए और समझ लिया जाए और उसके द्वारा आपके लिए प्रार्थना की जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं हम परेशान हैं, दुखी हैं, परंतु मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप भवन से जुड़िए, आप कॉल से जुड़िए, आपकी चाहे कोई भी समस्या है शेयरिंग करिए अपने प्रभु के दास और दासियों से, तो क्या कर सकते हैं, वो आपके मन में जो पीड़ाएं उठ रही हैं उसे सुन करके आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको कुछ तरीके बता सकते हैं, आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बता सकते हैं, आप किस वचन को पढ़ें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे अगुवाई में चलना है, कैसे आपको उपवास रखना है, कैसे प्रभु के पास जाना है, इन सारी बातों का जो समझ है प्रभु देगा और प्रभु के दासों के द्वारा अगुवाई होगी। मेरा सोचना है कि आप कॉल पर जरूर बने रहें, और मैं उन भाई बहनों का भी धन्यवाद देता हूँ जो कॉल पर बने हुए, बड़ी गवाहियाँ उनके जीवन में है और वो एक हष्ट-पुष्ट जीवन जी भी रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और परमेश्वर वचन सामर्थी वचन है, वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें हमेशा बने रहें, निरंतर बने रहें। उस समय में जब हमारे समय कठिन दौर से गुजरते हैं, मेरे प्रियो बहनों भाइयों, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब आप कहते कि मैं परेशान हूँ, उस समय में हमें प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है, प्रभु को अपना जीवन देने की आवश्यकता है, और हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लें, हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के बताए हुए रस्तों पर चलें, हमें जरूरत है कि हम उसमें बने, उसे समझें, उस प्रभु यीशु मसीह के दायरे के अंदर आ जाए जो ठहरा हुआ। भजन संहिता अगर हम पढ़ते हैं, बाइबल हम पढ़ते हैं, हम कई बार अपने जीवन में इस बात का निश्चितता करते हैं कि भजन संहिता में लिखा कि जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सत्य है ये बात बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर अपने उन लोगों को ठिकाना देंगे जो उसके ठहरे हुए स्थान में बने रहेंगे, जो उसके ठहरे हुए, जो स्थान ठहरे हुए का मतलब है आप उसे नहीं ठहरा सकते, आप उस दायरे को नहीं ठहरा सकते, उस स्थान को हम अपनी मनमर्जी से नहीं ठहरा सकते कि ये मेरा स्थान है, मुझे इसमें ही आशीष मिलेगी, मैं तो यहीं पर जाऊंगा, मैं यही करूंगा, ये हम नहीं ठहरा सकते। हमारा ठहरा हुआ स्थान प्रभु की ओर से, प्रभु जिस बात को नियुक्त कर दे, प्रभु जिस बात को हमारे दायरे बना दे, प्रभु जिस आशीष के लिए हमें चुन ले, यदि हम उस आशीष में बने हुए हैं तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेसिंग पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनिए, आप वचन सुनते सुनते ही आशीषित हो जाएंगे, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है आप ब्लेस होंगे आज, मुझे विश्वास है आपके मन की जो आपके मन में जो दुविधाएं हैं उसे आप बाहर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा ध्यान से, जैसे उदाहरण के लिए हम गीत गाते हमेशा जैसे मछली बिन पानी के, आप खुद साधारण सी बात देखिए, एक मछली को आप पानी से बाहर निकाल दीजिए, एक मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए और उसे थोड़ा सा देर रहने दीजिए, मुझे ये लगता है आपको भी लगता होगा कि वो तड़प जाएगी, उस पानी के बिना तड़प जाएगी जिस पानी में उसका जीवन है। हालेलुया। हम मसीहों का जीवन भी उस पानी के बिना नहीं है, आपको मालूम होगा उस स्त्री का जो कुएं पर पानी भरने आई थी, पानी वो रोज पीती थी परंतु जीवन नहीं था, पानी वो रोज भरने आती थी उसके पास जीवन नहीं था। मेरे भाई बहनों, दोस्तों, प्यारे बहनों, भाइयों, मित्रों, प्रभु के दास और दासियों,
जब तक यीशु ने उसे अपनी जिंदगी का पानी जो वचन के द्वारा मिला है, वचन से मिलता है, जब तक वो नहीं दे दिया और उसमें बन नहीं गई, उसे जीवन नहीं मिला। और जैसे उसने पानी को पिया, यीशु से वार्तालाप हुई उसकी। इसका मतलब है जब तक हमारे जीवन की वार्तालाप प्रभु के दास और दासियों के साथ नहीं रहेंगी, वार्तालाप हम वचन को नहीं सुनेंगे। आप ध्यान से सुनिए, उस स्त्री ने कुएं पर बैठ करके क्या किया, यीशु मसीह से बातें की और यीशु मसीह ने उससे बातें की। हम सोचते हैं कई बार कि हम टाइप कर दे हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी, ये वन वे मार्ग हो सकता है, परंतु मार्ग यह है कि आप वार्तालाप करें अपने आत्मिक अगुओं से। वो आपको सिखाएंगे कैसे मसीह में बने रह सकते हैं, वो सिखाएंगे कि कैसे आप बढ़ सकते हैं, कैसे आप बढ़ सकते हैं, अन्यथा आपकी प्रार्थना उस डस्टबिन के समान होगी जिसमें लोग कूड़ा फेंक देते और चल देते हैं। कई लोग इसी तरह करते हैं, कई लोग इसी तरह करते हैं कि अपनी मैसेज डाला और चले जाते हैं। उनका रिप्लाई यदि यहां से मिलता भी है तो नहीं, उस रिप्लाई को भी भरो देखते नहीं है कि ओसमग्रे से क्या रिप्लाई आया, किस मिनिस्ट्री से क्या रिप्लाई आया, कहां से क्या आया, कुछ पता नहीं है। और उस डस्टबिन के समान हो जाते हैं जहां पर हम कूड़ा फेंकते हैं, चले जाते, देखते नहीं मुड़के। हम सोचते हमारा काम हो गया, हमारा काम नहीं हुआ। हमें बने रहना, हर कंडीशन में बने रहना, चाहे क्राइटेरिया कुछ भी हो, चाहे सीमाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है तुम बने रहो। जैसे बिना पानी के एक मछली जिंदा नहीं रह सकती, एक विश्वासी का जो जीवन है, एक सच्चे मसीह का जो जीवन है, जो आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आया है, जो अपने छुटकारे के लिए प्रभु के पास आया, जो अपने दुख दर्द और पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए प्रभु के पास आया, उसका जीवन प्रभु के जीवन के जल के बिना अधूरा है, परमेश्वर वचन के बिना अधूरा है, और उसके बिना वो जीवन नहीं पा सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा आज, आज कुछ वचनों को मैं बताऊंगा, कुछ बातें। यदि आप इस बात से आनंदित है कि मैं उसे जानना चाहता हूं, तो सचमुच परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेंगे। हालेलुया, आज मैं कुछ बातें बताऊंगा। हालेलुया, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डाली हो। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई बहनों, अगर नोट करना है नोट कर सकते हैं, बाइबिल ले सकते हैं अपनी, बाइबिल के यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार, अगर आप उसका खोलते हैं अध्याय 15 अध्याय खोलें और 15वें अध्याय में इस बात को तसल्ली से आप सुने, तसल्ली से धीरज से सुने, यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और यहां लिखा जो डाली मुझ में बनी रहती है। हालेलुया, यहां पर दो चीजें लिखी, जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसके बारे में लिखा है, और जो डाली फलती है उसके बारे में लिखा है, और चार पद में लिखा जो मुझ में, तुम मुझ में बने रहो, और जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है वो अपने आप से नहीं फलती, परंतु परमेश्वर से फलाता है, परमेश्वर से आशीष करता है। वो कहता तुम भी मुझ में बने रहो, तुम मेरी डाली हो, जो मुझ में बना रहता है बहुत फल फलता है। इसका मतलब यह है, प्रभु में बनने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके कहे अनुसार जीवन को जीना, उसने जो रास्ते ठहराए उन रास्तों पर चलना। आपने देखा कल के वचन को आपने सुना, जो दीवारें परमेश्वर ने खींच दी गई, लोग उससे लांग के गए तो उनके जीवन में दिक्कतें खड़ी हो गई। आप जानते हैं जो दायरा परमेश्वर ने ठहरा, जब उसे लांगते हैं, उसे छोड़कर, उसे तिरस्कार करके जब आगे जाते हैं, लोगों के जीवन में वही शैतान के घूंसे, लात घूंसे आते हैं, शैतान की तरफ से दुख तकलीफें आती हैं, जब आती है, जब हम उन बातों को इग्नोर करते जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है इस बात का हम ध्यान देंगे। वो कहता है मेरा पिता है देखरेख करने वाला, मेरा परमेश्वर देखरेख करने वाला है डालियों की, और वो डाली कोई और नहीं है, वो डाली मैं और आप हैं। इस बात को समझना पड़ेगा, इस रिलेशन को समझना पड़ेगा। दाखलता जो है प्रभु यीशु मसीह है, और जो डालियां हैं उसके प्रेरित हैं, जो डालियां हैं उसके विश्वासी लोग हैं, जो डालियां हैं उसके मसीही लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां। यदि वो अनसुना कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो डाली से अलग हो गए हैं, उनकी कलम को छांट दिया गया है, वो रोपे नहीं गए सही से, साटे नहीं गए हैं। हम जंगली दाखलताओं में थे,
हम जंगली बातों में थे, हम बुराई में थे, हम पापों में थे। प्रभु का वचन कहता है उन जंगली दाखलतों में से हमें उसने काटा, कलम को काटा और यीशु मसीह की जो दाखला थी उसमें ऐसे लगा करके उसमें अपने लहू से उसका मरहम पट्टी करके उसमें में सांट दिया। अब जो पोषण आता है, जो जड़ें हैं वो जंगली नहीं रही। पौधे तो हम जंगली थे, हमारा व्यवहार जंगली था, हमारा व्यवहार तो ऐसा ही था। प्रभु ने हमारी जड़ों को नहीं काटा, हमें जड़ से बुराई से अलग करके हमें अच्छी जड़ में रोप दिया गया। और वो जड़ कौन है? वो जड़ है यीशु मसीह, वो जड़ है यीशु मसीह, वो यीशु मसीह जड़ है और हम उसकी डाली हैं। उसने हमें कलम के अनुसार, जैसे एक पेड़ की कलम काट के दूसरे पेड़ में लगाते हैं और ऊपर से वो दूसरा पेड़ अपने फल देता है, ना कि जड़ में जो पेड़ है वो फल देता। बाइबल इस बात को कह रही है कि यीशु मसीह कहते हैं मैं वो दाखलाता हूं और तुम मुझ में साटे गए हो, जंगली दाखलताओं से काट करके, बुराइयों से निकाल करके अच्छाई वाले पेड़ में लगा दिए गए हो। जब लगा दिए गए हो, अब परमेश्वर क्या चाहता है? अब परमेश्वर ये कहता है कि मेरा पिता जो है वो देखरेख करेगा तुम्हारी, मेरा पिता तुम्हारी देखरेख करने वाला है। तो हमें अब बात ये किस प्रकार के फल लाने हैं, किस प्रकार के फल लाने? जब मसीह में हम जोड़ दिए गए, क्या हम कतराने लग जाए मसीहों से? क्या हम पासवानों से कतराने लग जाए? क्या उनका फोन उठाना बंद कर दें? क्या उनसे बात करना बंद कर दें? क्या उनसे अपनी रिलेशनशिप को तोड़ दें? जिस परमिशन आपकी रिलेशनशिप यीशु के साथ जोड़ी है, जिस परमिशन आपकी रिलेशनशिप प्रभु के दासों के साथ जोड़ी है, क्या हम अपने आप से उससे अलग हो जाएं? क्या दो रास्तों को बनाएं? मेरे एक सवाल है, क्या दो रास्ते हम बना ले अपनी जिंदगी में? क्या दो रास्ते बना ले? हम जंगली बीज में से, जंगली बीज में थे, जंगली पौधे थे, उसमें से काट के प्रभु ने अपनी दाखलता में, यीशु मसीह की दाखलता में जब साट करके अपने लहू का पेस्ट लगा करके, अपने मरहम की लहू पट्टी लगा करके उसने हमें यीशु मसीह में साटा और उसने कहा मेरा पिता तुम्हारी अब देखरेख करेगा, तुम्हें इसमें बने रहना है, और हमने दूसरा ही रास्ता निकाल लिया, हमने दूसरे मार्ग निकाल लिए। अब्राहम को देखिए, मैंने पिछली बार बताया था, अब्राहम से परमेश्वर मैं तुझे आशीष दूंगा और तू मूल पिता होगा, एक जाति में तुझसे बनाऊंगा। परंतु अब्राहम ने परमेश्वर की बात ना सुन के दो जातियां खड़ी कर दी है। आपको मालूम है दो जातियां कौन खड़ी करी? एक इस्माइल हुआ जो हाजरा से हुआ था, और अब्राहम से क्या हुआ था? इसहाक पैदा हुआ। और क्या हुआ? ये अपनी इच्छा के, परमेश्वर का जो प्लान था वो चौपट कर दिया उसने। परमेश्वर की जो योजना थी एक जाति के, वो दूसरी जाति को लेकर के आ गया। जब हम अपने जीवन में अपनी बातों को करते हैं, हम परमेश्वर का वो पोषण नहीं पाते। वो पोषण तो हमें फलवंत करने का पोषण था। बाइबल कहती है दाखला था यीशु है, डालिया प्रेरित और उसके लोग है, तो हमें किस प्रकार के फल आने चाहिए थे? फल कड़वे ना आए, चाहे हालात कुछ भी हो जाए, हम कुड़कुड़ाएं ना अगर हम यीशु मसीह में जोड़ दिए गए। हम यीशु मसीह में जोड़ दिए गए तो हम मसीह बहनों भाई सब कतराएं ना बिल्कुल भी। हम अपने अगुओं को देख करके आंख मिचोली ना खेले, हम आंखें ना बंद कर ले उनकी तरफ से, क्योंकि एक समय आया जब उन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलाया, जब एक समय आया जब आप गंभीर बीमारी में थे और उन्होंने दुआएं की है और आप बाहर आए हैं। आज जरूरत है कि हम उनकी ओर से आंखें ना चुराएं। एक समय आया जब हम रोते पीटते प्रभु के पास आए, एक समय आया जब हालात खराब थे और हम कह रहे पास्टर जी हमारे लिए दुआ करिए, क्योंकि हम मर गए, गिर गए, हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया और हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम आगे बढ़ पाए, मैं जीने की आशा खत्म हो गई। उस समय उन दासों ने आपको उठा करके, गंदगी साफ करके प्रभु से जोड़ा और परिश्रम किया, आपको सांट हाउस में मरहम पट्टियां लगाई और चाहा कि ये अच्छे फल लाएंगे, तो क्या प्रभु की सुनना बंद कर दें? जब प्रभु में जोड़े गए हैं तो क्या प्रभु के दासों की बात सुनना बंद कर दें? मेरा एक सवाल है आपसे, क्या प्रभु ऐसे फलों की कल्पना करता है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर तो कहता है कि मेरे लोग जो है मुझे नहीं पहचान रहे, आज मुझ में जुड़ गए हैं परंतु पहचान मुझ नहीं, उनकी डालियां अलग टेढ़ी चली गई है। चलना सीधा था, परमेश्वर सीधा पेड़ ऊपर लेके जाना था, परंतु दो रास्ते बन गए, एक इधर निकल गए, एक इधर निकल गए। जो टारगेट था ऊपर बढ़ने का वो हट गया, लेफ्ट और राइट चले गए। कितने लोग हैं जो अगुओं से आज भी अपना मन चुराते हैं, आंखें चुराते हैं। यदि अगुआ आपको फोन कर दे तो फोन नहीं उठाते वो लोग। अपने अंदर झांकने की जरूरत है, मुझे झांकने की जरूरत है।
आपको झांकने की जरूरत है। क्या हम यीशु में बने हुए जिस बुलाहट में बुलाए गए? कितने लोग कहते हैं मुझे बुलाहट बुलाई गई है, मुझे मुझे जोड़ा गया प्रभु, मैं प्रभु में जुड़ा हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। कहने के लिए सभी प्रेम करते हैं, कहने के लिए जब हालात बदलते हैं और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, जब जब दीवारें खड़ी हो जाती हैं रास्ता बदल लेते हैं, जब परीक्षाओं की घड़ी आती है जब रास्ता बदल लेते हैं। मेरे बेटे का एग्जाम है, कल वो एग्जाम देने गया, अगर वो रास्ता बदल लेता कल वो एग्जाम नहीं दे पाता और वो पास नहीं हो पाता, उसके नंबर नहीं आते। जब हम एग्जाम देंगे ही नहीं हम सफल भी नहीं होंगे, जब हम परीक्षाओं में पढ़ेंगे ही नहीं हम सफल भी नहीं होंगे। एक पेड़ को देखिए जो सीधा बढ़ जाता है और उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे घरों में रखा जाता है। एक पेड़ मकान के बाहर है जिस पे धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं, आंधी पड़ती है, उसे पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और वो बड़ी समस्याओं के साथ खड़ा होता है और एक दिन इतना मजबूत हो जाता है कि जो घर में रखा हुआ पेड़ है वो खराब हो जाता है। परंतु जो बाहर वाला पेड़ है जिसने सारी चीजों को सहा है वो कभी हार नहीं मानता, वो गिरता नहीं, क्योंकि वो ठोकरें खा कर करके वो आंधियों का सामना कर करके वो मजबूत हुआ है। हालेलुया। ऐसे लोग जो हालातों में बने रहे प्रभु के साथ, ऐसे लोग जो हालात बिगड़ने पर भी प्रभु के और ज्यादा नजदीक आ गए और ज्यादा चिपक गए। सोचिए दाऊद के हालात कितने खराब हो गए थे जो पाप में गिर गया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, लोग उसे तुच्छ जानने लगे, नबियों ने आके उसे बोला तूने पाप किया, नबी ने बोला परमेश्वर तेरे से बदल लेगा, और उसने क्या किया उन दशाओं में तो वो और प्रभु के पास लिपट गया और प्रभु के पास आ गया, प्रभु के दासों से प्रार्थना करने लगे मेरे से प्रार्थना करो। ऐसे समय में बने रहने की जरूरत है। जब हमारे पास पानी ना हो तब तड़पन ज्यादा हो जाती है, जब मछली पानी से बाहर आ जाए तब तड़पन ज्यादा हो जाती है, उसे प्यास है पानी की। हमारे जिंदगी में जब कठोर समय आते हैं, जब समस्याएं घेर लेती हैं, उस समय तो हमें हमारे हालातों के चलते हमें और प्यास बढ़ जानी चाहिए और परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। हालेलुया। मालूम नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर कहता है या वह उन्हें काटता है जो फल नहीं लाते। सुनिए ध्यान से, फल ना लाने का कारण क्या है? फल ना लाने को क्या बोला गया? फल ना लाना लिखा जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाते, जो मसीह में है मसीह कहलाते हैं, मेरे तो कहलाते हैं। लिखा जो मेरे लोग हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो अपने मन को फिराएं तो उनके देश को जो कत्यो करूंगा। पर बात मन फिराने की है, मन फिराना प्रभु के हाथ में नहीं है, मन फिराना मेरे और हाथ में है कि हम अपनी जिंदगी में यूटर्न लाएंगे नहीं लाएंगे, हम अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे नहीं लाएंगे, हम अगो की सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हम क्या करेंगे। हमारी जिंदगी में डिसीजन हम मेकर है, डिसीजन मेकर हम हैं, हम बुरा डिसीजन ले से। प्रभु ने तो हमारे जीवन में सब कुछ दे दिया है, हम ये नहीं कह सकते प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु ने कहा मैंने तुझे जीवन की बातें दी, तुझे चुन ला तो चुन ले, तूने नहीं चुनी ये तेरी गलती। मैंने तुझे मृत्यु की बातें भी बताई, तूने मृत्यु की बातें चुनी ये तेरी गलती है। तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं, तू कौन से में बनना चाहते हैं, कौन से मार्ग में चलना चाहते हैं। प्रभु ने कहा मैंने तेरे लिए एक मार्ग खोल रखा है, तू उसमें चल सकता है, तेरे अपना डिसीजन है, तू उसमें चल सकता है, कोशिश कर सकता है, एफर्ट लगा सकता है। एक मार्ग तेरा है जो तू संसार में चल रहा है, एक मार्ग तेरा जो तूने खुद बनाया हुआ, डिसीजन तुम्हारा। प्रभु में डंडा नहीं मारेगा, प्रभु में डंडे नहीं मारेगा, हम कैसे बने रहे। प्रभु का वचन कहता है जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे काट डालता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है अयोग्य ठहरा देना। परमेश्वर उस डाली को अयोग्य ठहराता है, जो उसमें है उसके जैसी दिखती नहीं, जो उस पेड़ में है परंतु उस पेड़ के जैसे पत्ते नहीं है, पेड़ हरा है परंतु डाली सूख रही है, पेड़ में फल आ रहे हैं परंतु उस डाली में जो जोड़ी गई है दूसरी जगह से लाके वो फलवत नहीं हो रही। जो मसीह में आ गए हैं, जो प्रभु को स्वीकार कर लिए, जो पापों से निकल के आए हैं, जो व्यभिचार से निकल के आए हैं, जिसको परमेश्वर ने माफ कर दिया, जिसके परमेश्वर ने दुखों को उठा लिया, जिसके लिए क्रूस पर कुर्बानी दे करके उन्हें बचा लिया, अगर वो फल अच्छे नहीं ला रहे हैं तो प्रभु कहता है मैंने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। उन्हें काटने का मतलब है उन्हें अयोग्य ठहराना, उन्हें काटने का मतलब है अब परमेश्वर का पोषण उनमें नहीं जाएगा। हो सकता है वो मसीह में जुड़े रहे, हो सकता है उस पेड़ में जुड़े रहे, हो सकता है उसी पेड़ से कोशिश करें, हम तो अभी भी जुड़े हुए हैं, हम तो अभी भी प्रभु में चल रहे हैं, हमारे काम तो अच्छे हैं, खुद के धर्मी हो सकते हैं, अपनी सोच से धर्मी हो सकते हैं। मेरे भाई बहनों शेयरिंग करिएगा, मैं आपको कुछ खास बातें बता रहा हूं, आपको परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। लोग इस बात को हमेशा कहते हैं कि जो डाली तुझ में बनी रहती है प्रभु बहुत सा फल लाती है, प्रभु आपने कहा हमें फलवंत कर,
पर प्रभु ये देखता है कि बेटा इस वचन की गहराई को जान ले, इस वचन की गहराई को जान ले, मुझ में बनने का मतलब क्या है। मुझ में बनने का मतलब यह, जब चर्च आने की बात होती है, चर्च तू आता नहीं तो मुझ में कैसे बना हुआ है। जब पास्टर तुझे बोलते दुआ में पहुंचता, दुआ में तो पहुंचता नहीं है तो कैसे बने हुए की बात है। जब अपना टाइट देने की बात आती, टाइट तू देता नहीं है, तेरे कैसे बने रहने की बात है। जब घुटने टेक के दुआ करने की बात आती है, दुआ तुम करते नहीं हो तो कैसी बात आती। वारे वाह, परमेश्वर कहता है वारे वाह, फिर भी कहता मैं तुझ में बना हुआ हूं, कैसे बने रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि हम प्रभु में बने हुए हैं, पर प्रभु ने उन्हें अयोग्य कर दिया है। प्रभु ने उनके फलों को, उनमें फल लाने बंद कर दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह एक जगह गए और वहां पर यीशु को भूख लगी। आप क्या सोचते हो, यीशु को आपके जीवन के प्रति भूख नहीं है? भूख है। जब सामरी स्त्री, जब वो स्त्री पानी भरने आई थी, सुनिए ध्यान से, जब वो पानी भरने आई थी, यीशु के चेले रोटी लेके गए, रोटी लेने गए थे बाजार में, मार्केट में गए थे, गांव में गए थे। सुनिए ध्यान से, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है उस वचन को पढ़िए। यीशु ने चेलों से कहा था भूख लगी, कुछ खाना लाने के। वो खाना लेने गांव में गए, तब तक स्त्री आ गई और उस स्त्री के जीवन का जल उसे पिला करके, जब वो स्त्री गांव में गई और गांव से लोग वापस आ गए यीशु को विश्वास करने के लिए, उसने काम किया, उसमें फल अच्छे हैं। वो यीशु में साटी तो गई, वो फल लेके आई। उसी समय उसने बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों को आशीष का वचन सुना दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में जुड़ते ही, प्रभु से जुड़ते ही बहुत सारे फल लद जाते हैं, आत्मा से भर जाते हैं वो, और वो अपने फलों को, कुछ पेड़ ऐसे जिनमें बरसों तक इंतजार करें फल आते ही नहीं है, प्रभु इंतजार करता है। तो रोटी लेके जब आ रहे थे चेले, यीशु मसीह ने कहा प्रभु रोटी खा ले। वो कहता है मैंने रोटी खा ली, क्या कोई और इसके लिए रोटी लाया है, क्या कोई और इसके लिए भोजन लाया है? चर्चाएं हो रही आपस में बातें हो रही, क्या कोई और था ना, तो इस तरह शायद ये रोटी लाई होगी, पर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। जब उसका भोजन ये है कि भेजने वाले की इच्छा पूरी हो जाए, तो वो परमेश्वर जो भूखा है, जो भूखा है, क्या आपसे नहीं चाहता कि आप उसकी भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें? क्या वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें? क्या वो नहीं चाहता, क्या परमेश्वर इस बात की कल्पना करता है कि प्रार्थना भवन ना हो आप? क्या आप इस बात की परमेश्वर इस बात की कल्पना करता है प्रभु के साथ ना समय बिताएं? क्या परमेश्वर ऐसा आत्मा देता आपको, ऐसी भूख है क्या उसकी, क्या प्रभु से दूर रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, जब मर्जी आए प्रभु को इस्तेमाल करें? अरे मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को रोते रोते आते हैं, और जब उनके जीवन में रोहराहट खत्म हो जाती है, जब तक वो रोते रहते, जब तक उनके जीवन में पीड़ाएं हैं, पड़े रहते प्रार्थना भवन में, प्रभु के सामने घुटनों में पड़े रहते, रोते हैं, रेट तक निकल जाते हैं, ऐसे लोगों की आंसू बहते रहते हैं और कहते हैं हमें बचाओ बचाओ, पास्टर भी लगे रहते हैं, परमेश्वर इसे आशीष दे, इसे माफ कर, और जो माफ हो जाता है, आशीष मिल जाती है, तब उसे थोड़ी सी सांस आती है, और पास्टर भी सोचते हैं अभी अच्छा पेड़ बनेगा, पास्टर भी सोचते अभी कलीसिया में लगेगा, पास्टर भी सोचते अभी प्रभु का काम करेगा, पास्टर भी सोचते अभी आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी सांस आते ही वो बंदा गायब। कौन सा प्रभु? पास्टर जी अब तो सांस आ गया, अब तो नौकरी करनी ना हमें, अब तो नौकरी करनी है, अब तो मुझे विवाह देखना है, अब तो शादी हुई थी उसी पत्नी को प्रसन्न करना है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी मैरिज आ रही है, मुझे लड़की देखने जाना, हजारों बहाने आ जाते हैं। पर फिर से जब समस्या आती है, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आती है फिर से उसी जगह रेट बातें होते हैं, फिर से उसी जगह आंसू बहा रहे होते हैं, फिर से उसी जगह पड़े होते हैं, पास्टर जी फिर से दुआ कर दो, पास्टर जी कर दो। यदि ये बने रहते तो फल आता। भूख खत्म जिन लोगों की हो गई, उनको परमेश्वर से प्यार से कोई मतलब नहीं। जिन लोगों ने परमेश्वर के प्यार को तुच्छ जान लिया है, बेशक वो प्रभु में जुड़े हैं, बेशक वो प्रभु में बने, वो खुद कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में बने हुए। कौन से ठहराए हुए स्थान में? जो उन्होंने खुद चुना, ना कि वो जो परमेश्वर ने चुना। बात करूंगा किसी दिन, आप अपने मन के जैसा स्वाद चाहते वैसा वचन नहीं सुन सकते। जैसा आप चाहते, जैसा आपकी जीभ का टेस्ट है, जैसा आपके मन का स्वाद है, आप खाना खा सकते हैं अपने स्वाद का, आप अपने स्वाद का वचन नहीं सुन सकते। जो आपको अच्छा लगे वो नहीं सुन सकते, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। वो वचन वो सुनना पड़ेगा जो आपको परमेश्वर दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको काटे, जहां बढ़ गए वो काटे, जहां जहां छांटने की जरूरत है वो छांटे। हालेलुया।
सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए, लिखा वो डाली काटी जाती है जब पिता किसान है, पिता एक एक माली का काम कर रहे हैं, वो माली पानी दे रहा है, उस माली ने कंकड़ बीने आपकी जिंदगियों के, उस माली ने आपकी जिंदगियों के दुखों से पीड़ाओं से निकाल दिया, यसाया की पुस्तक में लिखा उसने दाग की बारी बनाई, उस दाग की बारी में आपको लगाया, और उस पेड़ में जो यीशु मसीह उस दाखलता में जोड़ा गया, लिखा जो फल नहीं लाते परमेश्वर उन्हें काट डालता है। काट डालने का मतलब अब ये अयोग्य हो गए, अब ये मेरी नहीं सुनते, परमेश्वर ने उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं की ओर से कान अपने बंद कर लिए, उंगलियां दे दिए कान में, कितना भी पुकारे चिल्लाहट नहीं पहुंचेगी, कितना भी पुकारे उनकी पुकार नहीं सुनी। यही कारण है आज लोग दर बदर भटक रहे, भाई साहब हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, परमेश्वर परमेश्वर के कानों में उंगली है नहीं सुन रहा, क्योंकि ये अपने जीवन में प्रभु में बंद कर भी परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, परमेश्वर में बंद कर भी वो फल नहीं लाए, अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जिसको परमेश्वर राजा बनाना चाहे वो राजा बना देता है, जिस पर अनुग्रह करना चाहे वो अनुग्रह कर देता है। साउल को देखिए जो दाऊद से पहले राजा था, प्रभु दाऊद से क्या कहता है, शमूएल से क्या कहता है, जिसने उसका अभिषेक किया उसी पास्टर से। साउल का पास्टर कौन था, शमूएल नबी, उस नबी से कहा इसका अभिषेक कर राजा होने के लिए, राजा होने के लिए चुन लिया गया, उसी ने अभिषेक किया। अगली बार परमेश्वर उसी नबी के पास जाता है, उसी पास्टर के पास जाता है और कहता है इससे बोल के परमेश्वर ने तुझे अयोग्य ठहरा दिया है, परमेश्वर तुझे अयोग्य ठहरा दिया है। जिस पास्टर से तुम्हें आशीष मिली तो उसी पास्टर के द्वारा तुम्हें परमेश्वर बात भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता वो डाली काट दी जाएगी जो फल नहीं ला रही है। बेशक वो मसीह में जुड़ा, बेशक वो कलीसिया में बैठा हुआ, बेशक वो चर्च में रोज जा रहा, बेशक वो उपवास भी कर रहा, अपनी इच्छा से ही तो कर रहा है कि मैं उपवास करूंगा 40 दिन के, परमेश्वर ने उसे नहीं बोला, खुद ही रख रहा है, रखे जाओ, परमेश्वर को कौन सा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय परमेश्वर पुकार रहा था अनसुनी की, अब वो खुद पुकार रहा है, अब परमेश्वर अनसुनी कर रहा है उसकी पुकार ने, जो किसी की पुकार नहीं सुनता, जो परमेश्वर की पुकार नहीं सुनता, प्रभु का वचन कहता है जब वो खुद पुकारेगा उसकी पुकार भी नहीं सुनी जाएगी। सुनिए वचन क्या कहता है, वचन ये कहता है परमेश्वर ने काट डालता, काट डालने का मतलब है उन्हें अयोग्य ठहराना। अयोग्य ठहराने का मतलब क्या है, प्यार भरे तौर तरीकों के खिलाफ कर देना, प्यार भरा तौर तरीका जो प्रभु का था उससे विपरीत कर देना, वो प्यार भरा हृदय प्रभु का उन्हें नहीं मिलेगा, वो प्यार भरा तौर तरीका, वो क्षमा, वो अनुग्रह, वो परमेश्वर की दृष्टि, वो परमेश्वर का प्यार, वो क्षमा उनके जीवन में फिर नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, अंजीर के वृक्ष को देखा और देखा फल खाने की इच्छा की, उसे भूख लगी, वो फल खाने की इच्छा करता आपकी जिंदगी से, आप वो पेड़ हैं, आपकी जिंदगी से चाहते हो फल मिले और वो खाए उसे तृप्ति मिले, आपके जीवन से उसे भोजन की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह भोजन ढूंढने आया उसमें और उसमें देखा पत्तों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है, फल नहीं है, प्रभु ने देखा पत्ते बहुत लगे हुए हैं, सुंदरता पे बड़ा ध्यान दिया हुआ है, सुंदर बहुत है, बहुत बड़ा भी है, आज लोग सुंदरता पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ये कपड़े पहनो, ये सिमरिक लगाओ, ये वो लगाओ, ये क्रीम पाउडर लगाओ, ये वाला डिओड्रेंट लगाओ, ये वाला सेंट लगाओ, बहुत सारी चीजें, हम सुंदरता पे ध्यान दे रहे हैं, हमारा बाहरी रूप बहुत सुंदरता है, पर जब परमेश्वर आत्मिक फलों की बात करता है, फल नहीं दिखाई दिए, उस पेड़ में फल नहीं दिखाई दिए, प्रभु ने उसे सूखने के लिए मना नहीं किया, प्रभु ने बस उसे ये कहा, प्रभु ने सूखने के लिए नहीं कहा, प्रभु ने ये कहा आज से तुझ में फल ना लगे, परमेश्वर ने उसे उसी समय, इसका मतलब ये है परमेश्वर उसे अयोग्य ठहरा दिया और दिन के बाद उसमें फल नहीं लगे। फल तो फल, जब वो अयोग्य हुआ, परमेश्वर का साथ उससे छूट गया, परमेश्वर की ब्लेसिंग छूट गई, तब क्या हुआ, वो पेड़ में फल की बात तो अलग रही, उसके पत्ते तक सूख गए। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जो मसीह में है और मसीह में नहीं चलते, बने नहीं रहते, उनका जीवन उसके समान है जो मछली पानी से निकाल के बाहर डाल दी गई हो, जो पानी के बिना तड़प रही है। आज लोग जीवन के जल के बिना तड़प रहे, संसार में पैसा तो बहुत है, तड़पन बहुत ज्यादा, चैन नहीं है, बेचैनी है, क्योंकि प्रभु का जो जीवन जल है वो नहीं है। इससे अच्छा तो बाइबल में क्या लिखा, स्वर्ग के राज में, स्वर्ग के राज में संतान बाहर रह जाएगी और पापी क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, व्यभिचारिणी स्त्री प्रवेश कर जाएंगी, वेश्याएं प्रवेश कर जाएंगी, बाइबल में लिखा। क्या हुआ, वो सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी, छठवां पति उसके घर में बैठा था, वो क्या कर रही थी, पाप कर रही थी, वैश्य के समान हो गई थी, वो जीवन पा गई मसीह की बात सुन के। कितने थोड़े समय में
थोड़ा सा समय लगा अपने जीवन को बदलने में, और पूरे गांव को सुसमाचार सुना कि इतने फल लाए कि कोई नहीं ला पाया। आज लोग अपना ही जीवन नहीं बना पा रहे, आज लोग अपने जीवन पर ही ध्यान नहीं दे पा रहे, बस केवल सुंदरता पर ध्यान है, अयोग्य ठहरा दिया। क्योंकि हमारी रचना परमेश्वर जानता है कि ये फल लाएंगे नहीं लाएंगे, परमेश्वर जानता है हमारी रचना को, परमेश्वर जानता है मनुष्य मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएंगे, हम मिट्टी से बनाए गए हैं। इस बात को हमें आज परमेश्वर याद रखता है कि मिट्टी है, परंतु मनुष्य को याद नहीं कि वो मिट्टी है। उन्हें एक दिन समाप्त हो जाना, उन्हें दिन मिट जाना, कुछ समय दिया, लिमिटेड समय दिया गया, उस लिमिटेड समय में खुदा को ब्लेस, खुदा की ब्लेसिंग को लेना है, खुदा का काम करना है, जिस काम के लिए हम भेजे गए, जिस चुनाव के लिए चुने गए, जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए, उसके योग्य फल लाने की जरूरत थी। और फिर कहते हैं कि प्रभु तू दाखलता है, हम तेरी डाली हैं, और जो डाली तुझ में बनी रहती है, बिना बने भी लोग इस बात की कल्पना करते कि हम बने हुए हैं। पाप करके आके भी कहते हैं हम धर्मी हैं, पाप करके लोग कलीसिया में बैठे हुए मिलते हैं, छुपा करके दुआ कर रहे, पास्टर जी दुआ कर दो हमारा काम नहीं बन रहा, पर परमेश्वर का आत्मा कहता है ये व्यभिचार करके आया। जब उससे खोदा खादी होती है और उसके हृदय की जांच पड़ताल होती है पवित्र आत्मा द्वारा, तब पता लगता है हाँ पास्टर जी गलती हो गई थी, अपने पापों को बिना स्वीकार किए, बिना माफी किए प्रभु के पवित्र कलाम के पास, पवित्र भवन में आके अपने ऊपर दंड लाने की बात करते हैं और कहते हैं हम तो ठहरा हुए स्थान में बैठे। कौन सा ठहरा हुए स्थान है? परमेश दास आज आपको बुलाते हैं मीटिंग में, जाओ क्या आप जाते हैं ठहरा हुए स्थान में? क्या आप सुनते हैं? कतराते हैं फोन पे? सोचिए, सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। हम कई बार, हर एक व्यक्ति चाहता है जब हम कॉल करें पास्टर जी तुरंत फोन उठा ले, पर जब पास्टर जी फोन करें हालेलुया, समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर कहता है बनी रहो, कंडीशन कुछ भी है, दीवारें कितनी भी खड़ी हो गई, लड़ाई कितनी भी हो गई, झगड़े कितने भी हो गए, गलतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो गई हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो गई, परमेश्वर अयोग्य जिस दिन अयोग्य ठहरा देगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य क्या क्या कहता, हर एक उस व्यक्ति को जो कहता मैं ठहरा हुए स्थान में हूं, हर एक उस व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य ये कह रहा है, या वह रेवलेशन यीशु मसीह का रेवलेशन कह रहा है उन व्यक्ति को जो अपनी मनमानी कर रहे हैं आज भी, और कहते हम ठीक है हम चर्च में अपनी मनमानी जैसे जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं और कहते हम फिर भी बने हुए हैं, अपना टाइम टाइम से देते फिर भी कहते हम बने हुए हैं, अपनी प्रार्थनाएं समय से निकलते फिर भी कहते हम बने हुए हैं, अपने उपवास नहीं करते फिर भी कहते हम बने। परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रकाशित वाक्य में लिखा उसके दूसरे, मैं तेरे कामों को जानता हूं, वो मेरे काम जानता है, वो आपके काम जानता है, वो मेरी बातें जानता है, वो आपकी बातें जानता है, वो मेरा चलना जानता है, वो आपका चलना जानता है, वो मेरा फिरना जानता है, वो आपका फिरना जानता है, वो मेरे फलों को भी जानता है, वो आपके फलों को भी जानता है, वो मेरी अनाज्ञाकारिता को जानता है, वो आपकी अनाज्ञाकारिता को जानता है, वो मेरी आज्ञा पालन करने को जानता है, वो आपकी आज्ञा पालन करने को जानता है, वो मेरी कमजोरियों को जानता है, वो आपकी भी कमजोरियों को जानता है, वो मेरी स्ट्रेंथ बन के खड़ा होता है तो आपकी स्ट्रेंथ बन के खड़ा होता है, वो मुझे आशीष देता है तो आपको भी आशीष देता है। कितने लोग हैं जो अपने भरोसे से गिर गए, कितने लोग जिन पर परमेश्वर ने भरोसा किया उन्हें योग्य ठहराया, जंगली थे वो, जंगल के जंगलों के समान थे, उन्हें उन जंगली पेड़ों में से काट करके, बुराइयों में से काट करके, व्यभिचार से, गलतियों में से काट करके, अच्छी अच्छी अच्छे पेड़ में उन्हें साट दिया, चिपका करके कलम लगा दी एक पेड़ पे, ताकि यीशु मसीह पेड़ में, ताकि वो अच्छा फल लाएंगे। आज अच्छा फल नहीं, आज भी लोग व्यभिचार कर रहे हैं, आज भी लोग पाप में हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बस कहना नहीं चाहता, ऐसे भी लोग जो पाप में पड़े रहे, पास्टर जी पाप हो जाता है, बार बार हो जाता है, गलत हो जाता है, मेरे से व्यभिचार हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या शैतान आके हाथ पकड़ के व्यभिचार की ओर लेके जाता है? शैतान का नाम लेते, शैतान को तो यूं ही बदनाम कर रखा, लोग डिसीजन खुद ले रहे हैं गलत होने का। परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया, बुद्धि का प्रकाश दिया लोगों को,
बुद्धि का प्रकाश, जिनके अंदर बुद्धि का प्रकाश वो कर सकते हैं। वो कहते हैं जो डाली मुझ में बनी रहती है, जो मेरी बात को सुनती है वो फल लाती है, जो मेरे पीछे चलता है वो फल लाता है, जो मेरे रास्ते बनाए पे चलता है वो फल लाता है, जहां मैं उसे ठहरा तो वहां बना रहता है वो मैं फल लाता है, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वो फल लाता है। फल लाने का मतलब क्या है? फल लाने का मतलब, इसका मतलब है कि चेलों की हैसियत जितनी है उससे बढ़कर काम करना, आपकी हैसियत जितनी है उससे बढ़कर काम करना। लिखा बहुत सा फल फलती है, बहुत का मतलब है जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा विश्वास योग्य बनना, जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा धर्मीपन बनना, जितनी कैपेसिटी थी उससे बढ़ करके दान करना, जितना जितना ताकत थी उससे ज्यादा विश्वास करना, जितनी भरोसा था जितना ताकत थी उससे ज्यादा उपवास करना। जब हम उन फलों को लाएंगे जितना प्रभु चाहता है उससे बढ़ करके, तो परमेश्वर के हम सच्चे चेले ठहरेंगे। तब हम कह सकते हैं हाँ हम बने हुए हैं, तब आप कह सकते हैं हम प्रभु में बने हुए हैं। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता जिन्हें अयोग्य ठहराया वो निकम्मी दाख, निकम्मी जो किसी काम की नहीं है। निकम्मी दाख क्या होती? जिन्हें काट डालना, काटने का मतलब अयोग्य कर देना। काटने का मतलब यह भी नहीं है कि वो फेंक दी जाएगी और उसे लोग वो तोड़ दिया जाएगा, पेड़ में से तोड़ दिया जाएगा, वो नहीं कह रहा। परमेश्वर कहता मैं उसे पोषण नहीं दूंगा, मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा, अपने बाड़े को हटा लूंगा, चाहे उसे शैतान रोंदे मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो दुखों में जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने मेरी अनुसरणी करी, मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। प्रभु ने क्या नहीं चुका, सब कुछ करना जो था वो पूरा कर दिया। इसी वजह से परमेश्वर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरे जी जान से कोशिश करें कि अपने विश्वास को बढ़ाते चले जाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं और प्रभु में लिपट जाएं। जिस समय कठिनाइयां होती हैं और लिपट जाएं, और प्रार्थना में आएं। जिस समय दिक्कतें होती हैं, काम में समय नहीं है। मैं ऐसे भाई से कल बात की जो कहते हैं मैं दुआ कम कर पाता हूं, पास्टर जी मुझे समय बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं फिर भी समय निकालता हूं, मैं फिर भी दुआ करता हूं। मैं ऐसी जगह पर हूं जहां मुझे दुआ करना अलाउ नहीं है, जहां मैं ऐसी जगह पर जहां बाइबल पढ़ना अलाउ नहीं है। मैंने उस भाई के लिए तालियां बजाई, उसे शाबाशी दी कि धन्यवाद हो भाई, तेरे जैसी प्यास हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, फिर भी आप समय निकाल रहे हैं, फिर भी आप दुआ कर रहे हैं, फिर भी आप यहां फोन करके प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अपने परिवार के लिए चिंता कर रहे हैं, फिर भी आप प्रभु में चलने के लिए बढ़ रहे हैं, एफर्ट को लगा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा यही लोग है जो बने हुए हैं प्रभु में, यही लोग है जो फल लाने वाले हैं, यही दाखलाता है जो बढ़ रही है समस्याओं में, चाहे कंडीशन कोई भी है, दायरे कोई भी है। इन्होंने छोड़ा नहीं है, ना इन्होंने प्रार्थना करना छोड़ा, ना इन्होंने बीज बोना छोड़ा, ना इन्होंने दुआ करना छोड़ा, ना इन्होंने उपवास छोड़े हैं, ना बाइबल के वचन को छोड़ा है, ना ही और कामों को छोड़ा। जो जो परमेश्वर ने सौंपे गए वो दे दिए गए। इसलिए परमेश्वर के मैं आपको कहना चाहता हूं, सदगुणों को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ, सदगुण बढ़ते जाएं, अवगुण चलते खत्म होते जाएं। सदगुण के साथ साथ आपका ज्ञान, जो मसीह ज्ञान है, आपका जो बाइबल का ज्ञान है, आपका जो प्रकाशन है, प्रभु का प्रकाशन दिया हुआ जो रेवलेशन है, जो दर्शन है, वो बढ़ते चले जाने चाहिए। कितने लोगों को दर्शन मिले, सुनिए, कितने लोगों को आपको दर्शन मिले? कहते हमने दर्शन देखा, पर आज कहां है वो दर्शन? वो दर्शन पे काम नहीं हुआ, काम नहीं किया, इसलिए वो दर्शन पूरा नहीं हुआ। कितने लोगों के लिए भविष्यवाणियां हुई? कितने लोग कहते मेरे लिए भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई? कहते पास्टर ने झूठी भविष्यवाणी, पास्टर जी ने झूठी नहीं की, परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि जो भविष्यवाणी आपको मिली उसके लिए आपने परिश्रम नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की, आपने उपवास करके नहीं मांगा कि प्रभु ये बोला गया था ये मुझे चाहिए, नहीं बोला गया, इसलिए बने नहीं रहे, जीवन के जल से बाहर आ गए। जीवन के जल से आप देखे जो मछलियां पकड़ी जाती है उनमें से पतरस ने पकड़ी थी, आप मछली पकड़ने वालों को देखिएगा, मछली पकड़ने वाले जाल डालते हैं और जाल डाल के बहुत सारी मछलियों को ले आते हैं। ये मछली कौन है? हम और आप हैं, मनुष्य जाति है, जो मछलियों के तरह समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में भरे पड़े हैं। परमेश्वर का जाल है, परमेश्वर का राज है, परमेश्वर जाल है सुसमाचार। जब सुसमाचार में लोग आते हैं, कुछ मछलियां ऐसी होती है जो उस जाल में से भी निकल के कूद के बाहर निकल जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार को सुनकर भी अपनी दिशाएं चेंज कर लेते हैं, अपना रास्ता खोज लेते हैं, उससे निकल के कलीसिया से बाहर भाग जाते हैं, परमेश्वर के दास दारे से बाहर भाग जाते हैं, उन 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 बाड़ों से जो परमेश्वर सुरक्षा के बाड़े लगाए हैं, जो खंबे गाड़े हैं, जो दूत ठहराए हैं, अग्नि में बाड़ा बांधा है, उससे बाहर चले जाते हैं। लोग खुद जाते हैं और खुद दूसरे पाले में कूदते हैं, और वो पाला किसका है वो जानते, वो शैतान का पाला है।
सुसमाचार के लिए अपना तन मन खर्च करने वाले लोग नहीं आज। मुझे विश्वास है, मैंने किसी भाई की गवाही सुनी थी, मुझे उस बात पे मुझे फकर है, मैं सीना ठोक के कह सकता हूं वो प्रभु में मजा हुआ, अच्छा भाई है और प्रभु के दर्शन का खोजी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस भाई की मैंने गवाही सुनी, किसी ने उसे बोला कि आप भी अपना ये कर लो, आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मिनिस्ट्री कर लो, ये करो, उसने एक ही बात बोली, नहीं नहीं मैं अपने आत्मिक अगुवे से दूर नहीं जा सकता, जो कलीसिया मेरे लिए ठहरा गया मुझसे अलग नहीं जा सकता, जो परमेश्वर ने मेरे लिए दास ठहरा है मुझसे दूर नहीं जा सकता, मैं यहां परमेश्वर ने रखा हूं। उसने अपना रास्ता नहीं, अपने रास्ता नहीं, कुछ मछलियां कूद जाती हैं, कुछ मछलियां बुलाई गई, इसलिए यीशु ने कहा बुलाए गए बहुत सारे हैं, चुने हुए थोड़े हैं, वो बुलाए गए बहुत सारे कौन से चुने क्यों नहीं गए, क्योंकि जब चुनने की बारी आई वो तितर बितर हो गई, जब चुनने की बारी आई कि ये हाथ बनेगा हाथ अलग हो गया, जब चुनने की बारी आई कि पैर बनेगा, कलीसिया की देह रचने की बारी आई, कलीसिया की देह है, किसी को परमेश्वर सिर बनाना चाहता है, किसी को हाथ बनाना चाहता है, किसी को पैर बनाना चाहता है, किसी को आंख बनाना चाहता है, किसी को कान बनाना चाहता है, किसी को स्टमक बनाना चाहता है, जब चुनने की बारी आई मुझे और आपको, जब परमेश्वर ने बुलाया, जब चुनता था वो, और जब चुनाव हुआ और हमें कुछ ओहदा दिया गया, हम कलीसिया के हक में आकर के उसके उसके हम यंत्र बनते, उसके हम अंग बनते, उस समय वो मछलियां जाल में से निकल करके बाहर कूद गई, और जब जाल में से बाहर कूद गई वो फिर से उसी दलदल के समुद्र में वापस चली गई जहां से उन्हें खींच के निकाला था। आज लोग, कितने लोग वहीं पे वापस चले गए, उस धोई सुवर्णी के समान, फिर से कीचड़ में, फिर से बीमारी में, फिर से समस्याओं में, फिर से पीड़ाओं में चले गए, और उन्होंने अपने सद्गुणों को नहीं बढ़ाया, विश्वास को नहीं बढ़ाया। इसलिए मेरे भाई बहनों, कैसे फल लाएंगे? जब हमारा विश्वास बढ़ेगा कि हाँ मुझे प्रभु ने ठहराया, हाँ मुझे प्रभु ने दिया, ये अगुवा भी प्रभु ने दिया, ये कलीसिया भी प्रभु ने दी, ये धन भी मुझे प्रभु ने दिया, बच्चे भी प्रभु ने दिए, जो काम सौंपा प्रभु ने दिया, मुझे प्रभु की बात को पूरा करना अवश्य है। पौलुस कहता मुझे अवश्य है कि वो बढ़ जाए मेरी जिंदगी में। जिस दिन आपकी जिंदगी में सबसे पहले इस बात की निश्चितता आ जाएगी, हर प्रार्थना में आपकी जिंदगी में ये होगा कि प्रभु मुझ में बढ़े, मैं घटू प्रभु तू बढ़े, प्रभु मैं घटू तू बढ़े, प्रभु मैं छुपू तू दिखे, प्रभु मैं आगे नहीं तू आगे चले, उस दिन से आप बढ़ने लग जाएंगे। जिस दिन आपकी इच्छा ये रहेगी मेरे बच्चे बढ़ जाए, प्रभु ये हो जाए, प्रभु हो जाए, प्रभु आपके बच्चे आगे हैं, आपका घर आगे है, आपका जॉब आगे है, आपका बिजनेस आगे है, प्रभु कहां है? प्रभु तो पीछे छोड़ दिया। पौलुस क्यों बढ़ा? पौलुस ने कहा प्रभु तू बढ़े। पौलुस कहता जो भी मैं हूं उसके अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह मुझ पर प्रबल हुआ है। कौन सी वो डाली है जिस पर अनुग्रह मिला? मैं उस भाई की गवाही सुन के हैरान हो गया। ऐसे विश्वासी लोग होने चाहिए, ऐसे चेले होने चाहिए। यह है वो सच्ची जाल डाली जो फल ला रही है, जहां रोपा गया वहां पर पोषण पा रही है। हालेलुया, ये चीज है। जब बुलाहट आती है उसकी बात है। परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है उस सद्गुण को पहचान जो प्रभु देता है, उस सद्गुण को रखे, जो सच्चे गुण आपको दिए गए, परमेश्वर का गुण रखे। परमेश्वर का गुण क्या है? प्रभु यीशु मसीह कितना आज्ञाकारी रहा, प्रभु यीशु मसीह अधीन हो गया, प्रभु के शून्य बन गया, अपनी नहीं चलाऊंगा प्रभु तेरी चलाऊंगा। वो कटोरा जो लोगों के लिए पीना था, प्रभु इनकी गलती थी मैं क्यों पीऊं, नहीं मैं पी लूंगा प्रभु तू कह रहा है, इसलिए मैं मर जाऊंगा प्रभु, क्योंकि तू मुझे निश्चितता देता है कि तू मुझे जिलाएगा। मैं उस मृत्यु में जाने को तैयार हूं, क्योंकि तू मुझे मृत्यु में जहां भेजे मैं जाऊंगा, मुझे विश्वास है तू वहां से मुझे निकाल कर भी लाएगा। ये चीजें बहुत जरूरी है, एक अच्छे अगवे होने के लिए, एक अच्छे मसीह होने के लिए इस बात को जानना जरूरी है। अन्यथा बहुत सारे लोग कहते हैं सच्ची दाखलता यीशु मसीह है और हम उसकी डाली है। आप कह रहे हैं तो आप उसकी डाली हो, प्रभु से पूछ कर देखिए क्या प्रभु मैं तेरी डाली हूं, क्या प्रभु मैं तेरे जैसे काम कर रहा हूं, प्रभु क्या मैं तेरी सुन रहा हूं। आपको जवाब आपकी आत्मा से ही मिल जाएगा कि आप सुन रहे नहीं सुन रहे। आपको सच्ची अगुवाई कहां मिलेगी? आपको सच्चा चरवाहा कहां मिलेगा? क्या करना था? ज्ञान के साथ संयम, और संयम के साथ धीरज, और धीरज के साथ भक्ति पर भक्ति और बढ़ाती रहनी चाहिए थी। उसमें क्या होता? भाइयों के साथ लगाव रखना, मसीहों से ना कतराना, मसीहों की संगति में ज्यादा बैठना, प्रभु के सलूशन पाने के लिए एक दूसरे से वार्तालाप करना, अपनी समस्याओं को बताना और समस्याओं का समाधान लेना, यह अगुओं के साथ रहकर ही मिल सकता है। जितने लोगों ने अपने आप को कतरा लिया है,
ध्यान से सुनिएगा, भविष्य खतरे में है आपका। जितने लोगों ने अगुओं से कतरा के अपने आप को अलग हो गए, आपका भविष्य खतरे में है। बचाना है तो बचा सकते हैं, चेतावनी है। अंतिम समय, अंतिम समय में जी रहे हैं। लगाव के साथ प्यार बढ़ाते जाओ। लोगों का प्रेम ठंडा हो गया, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, घात कर रहे हैं, यहां तक कि मसीह लोग ज्यादा मार रहे हैं। मसीह लोग एक दूसरे को बातों से मारते हैं। दुनिया लात से मारती है, ये बात से मारते हैं। कैसे मारते हैं? वचन फेंक फेंक के मारते हैं। तेरे अंदर ये कमी है, वो पादरी ऐसा, ये बहन तो ऐसी, ये चर्च ऐसा है, मैं वहां ये नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ओहो, यही तो चल रहा है मसीहों में। और फिर कहते हैं मसीह है, प्रभु कहता है दिखाओ फल, दिखाओ आपके फल कैसे हैं। फल कैसे? फल में कड़वाहट आ गई, कड़वा बीज बो दिया गया, शैतान बो के चला गया है। परमेश्वर ने तो अच्छा बीज बोया था। परमेश्वर चाहता था कि हम प्यार को बढ़ाते जाएं, और ये गुण अगर हम में उमड़ते रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का सही ज्ञान जब हम अमल करते रहेंगे तो परमेश्वर हमें निकम्मा नहीं होने देगा, अच्छे फल आएंगे। वो दाग की जो जोड़ी गई डाली है वो बढ़ेगी और फल होगी। इसलिए यीशु ने कहा फलवंत होंगे वो लोग, वो डाली जो फल लाती है, जो मुझ में बनी रहती है। क्या करना चाहता? वो 100 गुना फल लाती है। होना चाहिए था हम 100 गुना फल लाते, हो गुना चाहिए था। अगर हम 100 नहीं ला पाए 60 गुना लाते, 60 गुना नहीं ला पाए तो 30 गुना लाते। 30 से कम तो परमेश्वर को मंजूर नहीं है, 30 गुना से परमेश्वर को कम मंजूर नहीं है। उसका बीज ऐसा फल लाते, क्योंकि दाखलता सदोम की दाखलता से निकल गई। सदोम की दाखलता कैसी थी सोचिए, सदोम और अमोरा, क्योंकि उनकी दाखलता सदोम अमोरा जैसी हो गई। सदोम अमोरा की जैसी कैसे? वहां पर लूत था, सुनिए, लूत था। लूत ने सदोम में प्रचार किया, मन फिराओ, पाप मत करो। वो पाप करते रहे, स्वर्गदूत लूत के घर में आ गए। स्वर्गदूतों के साथ भी हम विचार करेंगे, पाप करेंगे, इनके साथ अडल्ट्री करेंगे। और लूत ने क्या कहा? स्वर्गदूतों को मेरे मेहमान इन्हें छोड़ दो, मेरी बेटियां उनके साथ आप कर सकते हो। उसने तो क्या, वो लोग अब व्यभिचार करते रहे, पाप करते रहे, पापों से मन नहीं फिराया। वहां एक पासवान था जिसका नाम लूत था, वो प्रचार करता खुद कूटता था। उनकी दाखलता कड़वी हो गई, उनके फल कड़वे हो गए। आज परमेश्वर कहता ऐसे ही आज लोग हो गए जो कहते हैं प्रभु के हैं, परंतु इनकी दाखलता जो है सदोम किसी हो गई है, अमोरा जैसी हो गई, जिनके ऊपर परमेश्वर का कोप भड़कने वाला है, कोप भड़कने वाला है। दाख की बारियों में क्या हो गया? विष भरी हो गई, विष भरी गुच्छे आ गए। फल कैसे आगे? कड़वे आगे। बोलते हैं तो कड़वाट आती है, बोलते हैं तो किसी को गिराने की बात करते हैं, किसी को उठाने की नहीं। परमेश्वर ने उन्नति की बातें बात करने की बोली थी, पर तो उन्नति है ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि डालियों में परमेश्वर फल की उम्मीद करता है। और जाहिर इस बात को रखें कि वो मीठे फल चाहता है, क्योंकि उसे भूख लगी है। हम जंगली दाख से हटा करके प्रभु की दाख में जोड़े गए हैं, इस बात को याद रखें। और जैसे बिना पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती, हम भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए यूहन्ना 15वें अध्याय में लिखता है कि तुम मुझ में बने रहो, उसके 7वें पद में, और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। लोग इस वचन को बहुत रिपीट करते हैं, मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो इस बात को बहुत रिपीट करते हैं और मांगते रहते हैं, और उनकी दुर्दशा वैसी की वैसी, उनकी ओर से परमेश्वर ने कान बंद कर लिए हैं, क्योंकि इन्होंने वचन को वचन में बने नहीं रहे। प्रार्थना में तो खूब बने हैं, घुमागामी में खूब बने, खान पान में घूमे, खाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, पहनने के लिए पूरी ताकत लगा दी, सुंदर बनने के लिए पूरी ताकत लगा दी, परंतु वचन मानने के लिए कोई ताकत नहीं, कोई एफर्ट नहीं है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है उनके लिए होगा जो फल ला रहे हैं, जो 100 गुना ला रहे हैं, जो 30 गुना, जो प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, तुम भी मुझसे रखो। प्रभु चाहता है कि वही प्रेम जो पिता ने रखा मुझसे, तुम भी ऐसा रखो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम फल लाओगे, और तुम्हारा फल क्या होगा? बना रहेगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो जैसा चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तब जा करके मेरा और आपका वो आनंद जो प्रभु ने दिया वो पूरा होगा। यही है प्रभु में बनना, चाहे आपके रास्ते कितने भी कठिन हो। तंग रास्तों में तो आपको और संभल के चलने की आवश्यकता है। सोचिए जब आपके रास्तों में पानी भर जाता है, क्या करते हैं आप? भाग के चलते नहीं, धीरे चलते, छींटे न पड़े। जब कीचड़ होता है, क्या दौड़ के चलते नहीं, तब आप संभल के चलते हैं। और मसीह लोग जब समस्याएं आती हैं वो संभलते नहीं, और उसमें फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं, प्रभु के साथ नहीं चलते, फिर संभलते नहीं। जो संभालने वाला कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे संभालूंगा, उससे हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं,
और जो बच्चा अपना हाथ अपने पिता से छुड़ा देता, छोटा बच्चा, वो गिरता है, ठोकर खाता है। ये सारी बातें बहुत ही बहुमूल्य है। जब परीक्षाएं आती है मेरे प्रियो बहनों भाइयों, मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं, शायद आपके लिए प्रार्थना करने वाले हजारों लोग होंगे, समझाने वाले कोई तो होगा। समझाने की बात यही है कि जब परीक्षाएं आती है उस दिन उन समय में आपको प्रभु की ओर नजदीक जाना है, ताकि वो परीक्षा घड़ी टल जाए। आपको और ज्यादा प्रार्थना करानी है, आपको ऐसे लोगों के पास जाना जो आपके सहायता कर सकते प्रार्थनाओं में, आपके ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप रखना जो आपकी जिंदगी को और ब्लेसिंग से आशीषित कर सकते हैं। परंतु लोग भाग रहे हैं, आप रास्ते दूसरे बन गए, आप वो डाली हैं जो फल आने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस वचन को जरूर शेयर करें, हमारे YouTube के पेज पर जरूर जाएं, जरूर जाएं, वहां पर सॉन्ग्स हैं, क्रूस उठाए वो जा रहा, मेरे पापों को धोने वो जा रहा, बहुत सुंदर सॉन्ग है। यदि आपने नहीं सुना आप सुनिए, आप आशीषित पाएंगे, आपके पाप उठाए जाएंगे। और हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि खुदा का काम वहां भी हो सके और प्रभु की महिमा हो सके। सचमुच में हमारे पापों को उठाया, हमारे पापों को माफ करके उस पर अनुग्रह ला के प्रभु ने हमें यीशु मसीह, जो अच्छी दाखलता है, वो कहता अच्छी दाखला, सच्ची दाखलता मैं हूँ, उसमें जोड़ा सच्ची में, ताकि हमें सच्चाई के फल आए, हमें आत्मा के फल आए, हम प्रभु में बनाए जाएं। हालेलुया। यदि आप बनना चाहते हैं तो प्रभु के पीछे चले, यदि आप मछली की तरह तड़पना नहीं चाहते तो आप उस पानी के, जीवन के जल के पास रहे, जीवन के जल में डूब जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, इस संडे को प्रार्थना है उन भाइयों के लिए, दुआ की जाएगी जो छुटकारा नहीं पा पा रहे, हजारों प्रयास कर चुके, कोशिश कर चुके, तांत्रिक उपाय जा चुके, जगह जगह जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना होगी। स्पेशली बच्चों के लिए प्रार्थना होगी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए होगी। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपना फोन करिए, यदि आप आना चाहते हैं तो फोन कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं है। यदि आपको भूख है तो आप खाना खाएंगे जरूर। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सचिन भाई, आप सेवकाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बस, आप घर से निकलिए, करना शुरू कर दीजिए, और चाहते हैं तो कैसे करना, कॉल कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज पे आप कह रहे हम सेवकाई, मैं भी आपको मैसेज भेज सकता हूँ ब्रदर, कि कर लीजिए सेवकाई। मैसेज पे चैट चैट खेल के सेवकाई नहीं होती मेरे भाई बहनों, मसीह में जो वचन आज सुनाया उसमें बनिए, परमेश्वर आपको अपने आप इस्तेमाल करेगा, फल तो अपने आप आएंगे, जो अंदर है वो बाहर आएगा, जो अंदर है वो दिखेंगे, फिर लोग खुद ही आएंगे, सचिन भाई के पास चलो, वो दुआ करते हैं और उनसे चंगाई मिलेगी, या शिष्य आएंगी। रिसीव करें परमेश्वर के ठहरे हुए स्थानों को, रिसीव करें परमेश्वर के ठहरे हुए इंतजामों को। ये भी एक इंतजाम है कि आपको लैंड एक एक लाइन नंबर दे रखी है, एक प्रेयर लाइन नंबर दे रखी है, ये परमेश्वर का इंतजाम है कि आप उस पर प्रार्थना करा सकते हैं। एक समय आएगा ये प्रार्थना के लैंडलाइन नंबर भी बंद हो जाएंगे, मोबाइल भी बंद हो जाएंगे, बाइबल भी नहीं रहेगी, वचन खत्म हो जाएगा, वचन की भूख खत्म, वचन की भूख पर वचन नहीं मिलेगा, वचन की, वचन का अकाल पड़ जाएगा, बाइबल में लिखा। उस समय क्या करेंगे, जितना है इस समय ले लीजिए, खा लीजिए उस वचन को, बन जाइए, उससे पोषण लीजिए प्रभु से। एक समय आएगा आप कहेंगे प्रभु हमें अब स्वीकार कर, प्रभु कहेगा अब जरूरत नहीं है, कोटा पूरा हो चुका है, आप शायद अभी भी अपनी इच्छाओं से चल रहे हैं, शायद अभी भी आप उसमें बने नहीं हैं, कैसे बने रह सकते हैं, वचन के द्वारा। आइए दुआ करते हैं, आप अपने निवेदन को हमें भेज सकते हैं, और जो लोग अपने कुछ चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ अपने विषयों को बताना चाहते हैं, गंभीर विषय हैं, आप हमारे प्रथम उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। अजीत जी, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, वैभव के लिए, उसे बुद्धि मिले, और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उसे बढ़ाए। अजीत भाई दुआ करते हैं, आंखों को बंद कीजिए, यदि आपका बेटा पास में तो उसे बिठा लीजिए। आजाद भाई, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना हमारे पास है। दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, प्रभु आपका हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, आजाद के लिए पिता परमेश्वर, अजीत के लिए परमेश्वर पिता,
प्रभु अजीत भाई के बेटे के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा ने अपनी दया अपनी करुणा अपना हाथ बढ़ाए प्रभु, जैसे आपका वचन कहता तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों की जिंदगियों में, प्रभु अपना अपना पोर्शन ये पूरा करें, अपने कामों को पूरा करें, जैसे उन 5 तोड़े वाले ने अपना काम पूरा कर दिया था और अपने मालिक के पास आकर के कहते हैं कि मालिक मैंने काम पूरा कर दिया और 5 तोड़ों के 10 तोड़े बना दिए, ये काम हो चुका है, उसके बाद उसे इनाम मिला। प्रभु यीशु मसीह जितने लोग प्रार्थना भेज रहे हैं कर रहे हैं प्रभु, वो अपने हिस्से को पूरा करें, अपना जीवन तुझे सौंप दें, यही उनका हिस्सा है प्रभु। उस दरोगा ने रात को पूछा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, उद्धार का मतलब है छुटकारा, उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा, उद्धार का मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। उन्होंने पूछा है साहिबो हमें बताओ कि हम परमेश्वर का उद्धार पाने के लिए क्या करें, उन्होंने कहा तुम मन से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर और बपतिस्मा ले और विश्वास कर, परमेश्वर उद्धार करेगा। हम अपना पोर्शन पूरा करें, हम अपने जीवन में अपना जीवन प्रभु को दे दें, हालेलुया, हम अपने जीवन की इच्छाओं को क्रूस पर डाल दें। प्रभु प्रार्थना कर दो जिनके नाम लिए गए हैं, आजाद भाई के लिए प्रभु और पिता परमेश्वर अजीत के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु, उन्हें विशेष करके उनकी जिंदगी को परिवर्तन कर खुदावन, उनके रूह के काम पूरे हो जाए पिता। प्रभु जब हम अपना कार्य पूरा करते हैं आप उसका रिजल्ट हमें देते हैं, जब एक बच्चा एग्जाम दे देता है टीचर बाद में रिजल्ट देता है, हालेलुया, और वो रिजल्ट बेहतर आता है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह वो टीचर चाहते हैं एग्जाम दे के वो बताए कि उसने क्या क्या किया है, क्या क्या उसने सीखा है, कैसा अब उसका कैरेक्टर है, अब वो क्या क्या कर सकता है जब वो एग्जाम देता है, और टीचर जान लेता है कि ये योग्य बन गया है अगली क्लास में जाने के लिए, उसे अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रभु इन्हें आशीष करें यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमीन आमीन। शेयरिंग कर सकते हैं आप, और मैं धन्यवादी हूं उन भाई बहनों का जिन्होंने इस मिनिस्ट्री की सहायता की है, इस मिनिस्ट्री की सहायता के अपने दान के द्वारा अपने धन बीज के द्वारा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, निरंतर प्रार्थना में है हमारे, मैं चाहूंगा आप इस मिनिस्ट्री की सहायता करें, इस बीज को बोने में जगह जगह जा करके जहां पर लोगों पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, आप अपने थोड़े से थोड़े में विश्वासी रखिए, थोड़े से थोड़े में विश्वासी रहिए, थोड़े थोड़े में बोना शुरू करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका आपका जो भंडार है वो भरेगा, परमेश्वर आपके खेतों से ब्लेसिंग की फसल उगाएगा, आपके जहां पर अकाल पड़ गया है वहां पर अकाल को हटाएगा, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को भरेगा। आप अपने बीज को निरंतर बोएं, ये नहीं कर सकते हम बीज बोना छोड़ दें और फसल काटने की आशा रखें। कोई भी किसान आपके देश में या किसी भी देश में चले जाइए, कोई भी किसान जब बीज नहीं बोता और उसमें पानी डालता रहे, खेत की गुड़ाई करे, निराई करे, घास को हटा दे वहां से और उसमें खुदाई करे, उसके कंकड़ पत्थर बीन ले और पानी खूब दे, समय समय पर पानी दे और फिर कहे फसल चाहिए मुझे और उसमें बीज ना बोए, तो बड़ा कठिन है कि फसल आ जाए। आपकी मेहनत जब फसल परिश्रम फल आता है जब आप बीज बोते हैं। आप किसके लिए बो रहे हैं यह अलग बात है, आप यीशु के सुसमाचार के लिए बोएं तो ब्लेस होते हैं, हालेलुया। मैं चाहूंगा आप सुसमाचार के लिए अपना बीज बोएं, अपना हाथ बढ़ाएं इस मिनिस्ट्री के लिए, खुदा के काम के लिए, खुदा की आशीषों के लिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यदि आपको और वचन समझ में नहीं आप हमें कॉल कर सकते हैं, हालेलुया। इस संडे के फिर से मैं कहना चाहता हूँ, संडे को फिर से बताना चाहता हूँ, आराधना है सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी और 2 बजे समाप्त हो जाएगी, और यदि आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है आप सभी का, प्रभु आपको आशीष दे। कल सुबह मिलेंगे 7:30 बजे प्रभु के एक नए वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।